हेलो दोस्तों, फिर से आप लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो में इस गाड़ी की गियरबॉक्स से जुड़ी पहली वीडियो की किस तरीके से गियरबॉक्स को आप लोगों को खोलना है स्टेप बाय स्टेप, पूरी जानकारी हमने उस वीडियो में आप लोगों को दी है। लेकिन दोस्तों, उस वीडियो में हमने प्लेनेटरी गियर असेंबली निकालने के बाद जो उसके अंदर ऑयल पम्प लगा होता है उसे किस तरीके से खोलना है और उसे चेक करना है उसके बारे में आप लोगों को नहीं बताया था। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उसी के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से ऑयल पम्प को खोलना है और उसे उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप लोगों को चेक करनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने। और दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आती है आप लोगों को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा, आप लोगों को जो भी हम पहले वीडियो डालेंगे आप लोगों को सबसे पहले पता चलेगा। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने। जैसा कि आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो में देखा था कि गियर बॉक्सों को हमने खोलने के बाद प्लेनेटरी गियर असेंबली को निकाल दिया था, और निकालने के बाद हमने केवल उसके जो सन गियर था उसको किस तरीके से खोलना उसके बारे में बताया था। एक बार हम आप लोगों को फिर से दिखाना चाहेंगे किस तरीके से सन गियर को आप लोगों को खोलना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये इसके जो सन गियर के ऊपर जो ये 24 नंबर का बोल्ट है, आप लोगों को देखिए ऊपर की तरफ हमने टामी लगा करके सन गियर को रोक करके टामी से हमने इस 24 नंबर के बोल्ट को खोल लिया है। और आप लोगों को सन गियर को बाहर निकाल लेना है इस 24 नंबर के बोल्ट को खोलने के बाद। ये देखिए, ये सन गियर है जो ये बाहर निकल चुका है, ये इसका सन गियर है। उसके बाद आप लोगों को जो ऑयल पंप की कपलिंग होती है उसे आप लोगों को बाहर निकाल लेना है, जैसा कि आप लोगों को हमने उस वीडियो में भी दिखाया था। ये देखिए, ये इसकी ऑयल पंप की कपलिंग है, इसके ऊपर ये दो रिंग लगे होते हैं। मैं दोस्तों आप लोगों को इस ये ऑयल पंप किस तरीके से काम करता है उसके बारे में भी आप लोगों को एक वीडियो बना करके दूंगा, जिसके अंदर आप लोगों को पूरे ऑयल पंप की वर्किंग के बारे में बताऊंगा किस तरीके से ऑयल पंप काम करता है। उसके बाद दोस्तों, आपको 16 नंबर की गोटी लेकर के आप लोगों को ये ऑयल पंप के जो बोल्ट हैं सारे उनको खोल लेना है। और ये देखिए, साइड में आप लोगों को एक फ़िल्टर दिखाई दे रहा है, ये देखिए मैंने आप लोग दिखाई, ये इसका फ़िल्टर है, स्ट्रेनर है, जिससे कि जो गियर ऑयल होता है वो फ़िल्टर होता है। उसे आप लोगों को एक एलकी लेकर के, ये देखिए, ये इसको आप लोगों को निकाल करके बाहर कर लेना है। और ये फिर सारे जितने भी बोल्ट इसके ऊपर लगे हुए हैं इनको सबको आप लोगों को खोल लेना है। तो दोस्तों, इसको सब लोग बोल्टों को खोलने के बाद आप लोगों को बताएंगे कि इसके अंदर जो इसके अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। ये देखिए, ये पूरा इस तरीके से आप लोगों को प्लेट आराम से बाहर निकाल लेनी है। और ये देखिए, ये जो ऑयल पंप की जो प्लेट है वो पूरी बाहर हो चुकी है, और ये दो पार्ट में होती है। ये देखिए, एक पूरी कंप्लीट प्लेट होती है और दूसरा ये नीचे का जो एल्युमिनियम बॉडी के अंदर जो गियर होते हैं वो, ये देखिए, ये जो कपलिंग है, देखो मैंने बताया जो ऑयल पंप की कपलिंग है वो यहाँ पर लगती है, और ये है इसका आपका जो गियर है जो कि डायरेक्टली आपके जो काउंटर शाफ्ट के साथ ये गियर चलते हैं और यही तेल उठाता है। दोस्तों, जब भी आप लोग इसे खोले तो आप लोगों को इन गियर को ज़रूर चेक करना है, क्या ये आप लोगों जो एल्युमिनियम शीट है क्या वो कट गई है या ये गियर ख़राब हो गए हैं, तो इन्हें आपको बहुत ज़रूर चेक करना चाहिए। क्योंकि अगर लुब्रिकेशन सही तरीके से नहीं होगा आपके गियर बॉक्स के अंदर तो आपके जो गियर्स हैं वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो आप लोगों को इन गियर्स को बहुत अच्छे से चेक करना है, अगर ये ख़राब है या बॉडी ख़राब है तो आप लोगों को इसे बदल देना है। और ये जिसमें आप लोगों को मैंने बताया जिसके अंदर ऑयल पंप की कपलिंग लगती है, दोस्तों ये प्लेट भी ख़राब हो जाती है क्योंकि ये जो ऑयल जो रिंग लगे होते हैं वो इसी से ही इसी के अंदर फिक्स होते हैं जिससे कि ऑयल बाहर ना आए। तो दोस्तों, इस रिंग को भी आप लोगों को देख लेना है। वैसे तो दोस्तों, ये जो प्लेट जो आपको रिंग दिखाई दे रहा है जिसके अंदर कपलिंग लगती है वो अलग से नहीं मिलता है, पूरी प्लेट के साथ ही वो आता है। लेकिन आप लोग उसे आप लोग लेथ के पार जा कर के दूसरा बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगली वीडियो में आप लोगों को बताएं किस तरीके से गियर बॉक्स को असेंबल करना है और उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गियर बॉक्स को तैयार करना है।